कराची से इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां पर 13 साल मसीही लड़की अलिशबा औरंगी टाउन हफ्ता बाजार से मोहम्मद बिलाल और जाहिद वर्गला फंसला कर अपने साथ जबरदस्ती लेकर चले गए। एक हफ्ते से लड़की लापता, वालदैन परेशान। तफसीलात के मुताबिक 13 साल मसीही लड़की अलिशबा वल्द जावेद को औरंगी टाउन गाजियाबाद की रिहायशी को मोरखा 5 अक्टूबर 2024 दोपहर 2 से 2:30 बजे के दरमियान अपने घर से हफ्ता बाजार सब्जी लेने निकली। वहां पर मौजूद मोहम्मद बिलाल, जाहिद का बहनोई और जाहिद खुद जबरदस्ती मेरी बेटी को वर्गला फंसला कर अपने साथ ले गई। लड़की एक हफ्ते से लापता। पाकिस्तान पुलिस स्टेशन गाजियाबाद और औरंगी टाउन कराची में दर्ज इन ख्यालात का इजहार अलिशबा की वालदा रजिया ने नासिर रजा जर्नलिस्ट एंड सोशल वर्कर को इंटरव्यू देते हुए किया और मजीद बात करते हुए कहा कि पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही, हम गरीब लोग हैं। मेरी तमाम अलहकाम से गुजारिश है कि मेरी बेटी को जल्द से जल्द इनके चंगुल से आज़ाद करें और मुलजमान को कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द दी जाए।